18th ऑफ मई है दोस्तों, आज वेडनेसडे का दिन है और सुबह के 11:23 का टाइम हो रहा है। हमेशा की तरह बैंक निफ्टी के 1 मिनट के चार्ट पे हम हैं और यहाँ पे आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो देखो, सुबह 9:30 से लेकर के, मतलब सुबह 9:30 से लेकर के अभी 11:30 ऑलमोस्ट बजने वाले हैं, पिछले 2 घंटे से ना बैंक निफ्टी इस एक रेंज में ही ट्रेड किए जा रही है और अभी कहीं पे यहाँ पे वो फिलहाल ट्रेड कर रही है। सो बेसिकली अभी हम यहाँ पे दो तरीके के प्लान कर सकते हैं। अगर ये इस सपोर्ट को, मतलब ये नीचे वाला जो जोन है, अगर इसका ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकडाउन अगर कर देता है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम वहाँ पे पुट को बाय करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और अगर मान के चलो आने वाले टाइम में, मतलब कुछ टाइम के बाद अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम कॉल्स को बाय करने वाले हैं। ज्यादा प्रेफरेंस मैं कॉल को देने वाला हूँ दोस्तों, क्योंकि आज सुबह से बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है। दोस्तों सुबह के 11:45 हो रहे हैं और फाइनली जाके मुझे यहाँ पे एक ट्रेंड नजर आ रहा है। जैसे कि मैंने बोला था बाय साइड में एंट्री लेने वाला हूँ। देखो दोस्तों, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन और नीचे से एक ट्रेंड लाइन बन रही है दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है और इसने इसका ब्रेकआउट, मतलब ये देने के चक्कर में मुझे नजर आ रहा है। तो यहाँ पे 34,300 की कॉल हम बाय करने वाले हैं दोस्तों। हमेशा की तरह उसकी हम 200 क्वांटिटीज बाय करेंगे, जो कि है मार्केट रेट पे करेंगे। लेकिन हमें सबसे पहले देखना होगा कि कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो रही है नहीं हो रही है। अभी 2 सेकंड्स और बचे हैं, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, क्लोजिंग ऊपर हो चुकी है, मैं क्विकली यहाँ पे बाय कर लूंगा। 388 पे उसने हमें माल दे दिया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा महंगा मिल चुका है बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, माफ़ कीजिएगा। अभी हम एक बार यहाँ पे टारगेट क्या लगा सकते हैं वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। दोस्तों अगर टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की भी लिंक दे के रखी है मैंने। आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो इमेज आ रही है, ये एनालिसिस ट्रेड लेने से पहले मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करके रखी थी। तो अगर आपको मेरे एनालिसिस को फॉलो करने में कोई इंटरेस्ट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। देखो दोस्तों, ये आया हुआ है 600 रुपीज़ के नुकसान में फिलहाल चल रहा है। टारगेट हम क्या लगाए यहाँ पे 15-16 पॉइंट, मतलब 406, एक बार मुझे कैलकुलेट करके देख लेने दो। 406 माइनस क्या रेट से बाय किया हमने, 388.86, 17 पॉइंट ठीक रहेगा दोस्तों। 406 का ऑर्डर मैं सिस्टम में प्लेस कर देता हूँ, है ना, तो आई गेस ठीक रहना चाहिए। करंटली देखा जाए तो 700 रुपीज़ के नुकसान में हमारा यह ट्रेड चल रहा है। देखो मैंने ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस करके रखा है, देखते हैं दोस्तों अभी ये वाला ट्रेड हमारा किस तरह से परफॉर्म करता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में पैसे नहीं बनते हैं, ऑप्शन बाइंग में बहुत बड़ी रिस्क है। लेकिन दोस्तों रिस्क तो हर एक ट्रेड में होती है ना, सिर्फ आपको मतलब उसको मैनेज करने के लिए आना चाहिए। अभी ये आज 37th वीडियो में ऑप्शन बाइंग का डाल रहा हूँ, सो कंटिन्यूसली आप देख रहे हो। देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस की बातें कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस भी स्मार्ट तरीके से हमें लगाना होगा, क्योंकि आइडियली देखा जाए ना तो वो जो मतलब नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ना उसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा, लेकिन वो मतलब हमारे केस में बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, पिछला एक स्विंग जो लो है उसके, प्रीवियस जो लो है उसके थोड़ा सा नीचे हम स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। और अगर इसको सच में ऊपर जाना है तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल भी नहीं वो हिट करेगा और ऊपर के जर्नी स्टार्ट कर देगा। दोस्तों ट्रेड लेके हमें 3 मिनट हो चुके हैं। नॉर्मली मेरा 1 या आधे मिनट के अंदर टारगेट आ जाता है, बट आज बैंक निफ्टी ने बैक टू बैक रेड कैंडल की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर दिया है। क्या मुझे डर लगना चाहिए अभी यहाँ पे, मैं मेरा माल काट दूँ? अभी देखो यहाँ पे कितना 3100 रुपीज़ का नुकसान दिखाई दे रहा है। आई नो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग आज के ट्रेड में मुझे थोड़ी सी कम नज़र आ रही है, क्योंकि उसने ट्रेंड लाइन के काफ़ी अंदर वो ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन यही तो पार्ट होता है, यही तो मतलब एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे ही काम आता है। साइकोलॉजी आपकी बिगड़नी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। एनालिसिस आप लोगों ने करके रखी हुई है तो उसके ऊपर टिके रहने के लिए भी आपको आना चाहिए दोस्तों। अभी देखते हैं, स्टॉप लॉस हमने स्क्रीन के सामने लगा के रखा है, टारगेट हमारा सिस्टम में ऑलरेडी प्लेस है। अभी हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें ये इस वाले ट्रेड से मतलब प्रॉफिट करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। करंटली देखा जाए तो ये नीचे ही आया हुआ है, देखते हैं दोस्तों। और यहाँ से नीचे से एक बाइंग प्रेशर मुझे आता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। स्टॉप लॉस हमारा अभी भी काफ़ी दूर है, अभी हम करंटली देखा जाए तो मतलब फिर भी 20-25-30 पॉइंट दूर है हमारे स्टॉप लॉस से। हम यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं, अगर ये जो डबल टॉप बना है इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी की कोई भी 1 मिनट की कैंडल अगर क्लोज कर देती है ना सक्सेसफुली, देखो वहाँ पे बाइंग मोमेंटम मुझे कितनी अच्छी तरह से नज़र आ रहा है,
तो हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस जो है वो थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे। देखो काफी अच्छी मोमेंटम आई गेस अपना देखो इसने, मैं बोल ही रहा था कि टारगेट अचीव कर देना चाहिए, और इसने अपना टारगेट भी अचीव कर दिया है दोस्तों। एक बार चलो हमेशा की तरह आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ मैं। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा आज हमें, बट दैट इज़ फाइन। तो प्रॉफिट कितना हुआ है हमें, 3400 का प्रॉफिट आज हुआ है। बाइंग क्या किया था हमने, 388.86 के आसपास हमने बाइंग कर रखी थी इंटू 200, दैट मीन 78,000 पकड़ लो आप, 78,000 का कैपिटल हमने डिप्लॉय किया था। 3400 डिवाइडेड बाई डिप्लॉयड कैपिटल जो कि 78,000 हम मानेंगे इंटू 100, 4.35% का मुनाफा आज के दिन में हमने बुक किया है। 4 मिनट लगा हमें, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। ये नीचे का जो ट्रेड है यहाँ पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना, हमने जो ट्रेड किया था वो ऊपर वाला ट्रेड था दोस्तों, और आज के दिन पे बुक किया हमने 3400 का प्रॉफिट। एक बार मैं आपको चार्ट पे फिर से अच्छी तरह से समझा देता हूँ कि पैटर्न क्या था। देखो कितनी वहाँ पे मतलब रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन अभी भी हमारा स्टॉप लॉस इंटैक्ट है दोस्तों, मतलब अभी तक उसने अपना स्टॉप लॉस नहीं खाया है। ये देखो दोस्तों क्या पैटर्न था आज यहाँ पे, ये वाले जोन में बैंक निफ्टी आज सुबह से कंटिन्यूसली ट्रेड कर रही थी, अभी भी उसी जोन के अंदर है बाय द वे। और यहाँ पे आप देखोगे, देखो ये एक ही जोन में थी, उसके बाद यहाँ पे मुझे एक अच्छा पैटर्न का मतलब माफ़ कीजिएगा, मुझे यहाँ पे एक पैटर्न मिला था। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो कुछ इस प्रकार, मतलब अगर प्रॉपरली ड्रॉ करो तो इस प्रकार वो ट्रेंड लाइन बन रही थी, है ना। एक बार यहाँ पे, दूसरी और तीसरी बार यहाँ पे, चौथी और पांचवी बार यहाँ पे, ऐसे 5 टाइम्स उसने कोशिश करी हुई थी उस टॉप मतलब वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की। फाइनली ये वाले जो ग्रीन कैंडल, जिस कैंडल के बाद मतलब हमने एंट्री करी वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे हमारी बाइंग हुई थी, नीचे का हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट किया था, SL स्टॉप लॉस का प्लेसमेंट हुआ था, और यहाँ पे ऊपर T मतलब हमारा हमने क्या लगाया था, टारगेट लगाया था, और विद इन 4 मिनट हमारा टारगेट अचीव हो चुका है दोस्तों। तो इतना ही आसान होता है दोस्तों बैंक निफ्टी के एनालिसिस करना यूजिंग अ प्राइस एक्शन। आपने देखा होगा मैंने चार्ट पे एक भी इंडिकेटर प्लॉट नहीं किया हुआ था, सिर्फ मैंने 2-3 लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे और उसमें से प्रॉफिट लेके बाहर आना दोस्तों। आई होप कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ नया सीखने मिला होगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो मैंने मतलब अभी मेरी आंखें उतनी ट्रेन हो चुकी है, इसलिए मैं इतना क्विक ट्रेड कर पाता हूँ, मैं पैटर्न्स के अंदर भी पैटर्न ढूंढ पाता हूँ। मैंने जो टेलीग्राम चैनल पे इमेज शेयर करके रखी हुई थी वहाँ पे क्या था, ऊपर एक रेसिस्टेंस का जोन मैंने मार्क करके रखा था और नीचे एक सपोर्ट का जोन मार्क करके रखा हुआ था। अगर आप बिगिनर्स हो या नए ट्रेडर हो तो आपको उस जोन को ब्रेकआउट या फिर ब्रेक डाउन का इंतजार करने के लिए आना चाहिए था। अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर बन चुके हो तो आप मतलब छोटे मतलब पैटर्न्स के अंदर भी पैटर्न्स ढूंढने की कोशिश करके वहाँ से मुनाफा लेके बाहर आ सकते हो, जैसे मैंने आज आपको करके दिखाया। एक बेसिकली अप ट्रेंड चल रहा था, वहाँ पे फ्लैग जैसा एक पैटर्न बन रहा था, अगर आप बारीकी से देखोगे तो वहाँ पे एक कप एंड हैंडल का भी फॉर्मेशन हो रहा था। आप फिर से एक बार मतलब वीडियो को रिवाइंड करना और वहाँ पे देखना, आपको कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखेगा। तो इसी तरह से मतलब मल्टीपल आपको कंफर्मेशन लेने के लिए आना चाहिए, सो आपका मतलब जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाता है। आज आपने 37th वाला ये वीडियो देखा, और हर एक मतलब आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो प्लेलिस्ट आ रही है, मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि ईच एंड एवरी वीडियो वॉच करो। हर एक वीडियो में आपको प्राइस एक्शन का एक नया एस्पेक्ट जरूर सीखने मिलेगा दोस्तों। अगर आपके कोई दोस्त हो जो ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं तो उनके साथ भी आप इस प्लेलिस्ट को शेयर करके मतलब उनके साथ इस प्लेलिस्ट को शेयर करके रख सकते हो। अगर आपको कुछ नया सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करने के लिए बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखो, और नोटिफिकेशन आने के लिए बेल आइकन प्रेस करना भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हम मिलेंगे फिर से कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।